तो आज है एक बहुत ही स्पेशल वीडियो क्योंकि हम लोग गुड़गांव में एक फार्म हाउस ले रहे हैं और अभी हम वो फार्म हाउस देखने जा रहे हैं। क्यों जीजू हमें फार्म हाउस दिखा रहे हैं ना? चल रहे हैं, चलो चलो। क्यों हंस रहे हो? मैं लेके दे रही हूँ आपको। चलो मैं बता रही थी जीजू को कि हमारा फार्म हाउस कैसा होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी सी लैंड होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए और बारीक स्विमिंग पूल, साइड में एक फाउंटेन और थोड़ा बहुत पार्क भी होना चाहिए साइड में। ओके। और खेत खलियान, आगे कैफे भी बनाओगे इस तरह से? ऐसे एग्जैक्टली ऐसे आगे कैफे भी बना होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना आप क्या चाहिए? सब समझ रहे। अभी दिखा दो, अभी दिखाते हैं। ये आ गया फार्म, देखो ये वाला चलेगा किसी की? कहां कहां ये लिखा है ना, लैंड फॉर रेंट। रेंट पे लेना ना? अबे नहीं, रेंट पे क्यों लेना है? मेरे को रेंट पे नहीं लेना, नहीं परचेज ही करना है। और बार की इसको कैंसिल, बार की दीवार भी अच्छी होनी चाहिए। ये कैंसिल कर देते हैं पर ना इसको अभी काफी कंस्ट्रक्शन लगेगी, यहाँ पे बनाना पड़ेगा शुरू से सब कुछ। तो बना बनाया तुम्हें पसंद नहीं आएगा, शुरू से बनाना पड़ेगा ना। तो इतना टाइम किसके पास है? मुझे तो जाके रहना है अभी इसी वक्त। तो यहाँ पे वो झोपड़ पट्टी डाल ले, आराम से रह ले। और यहाँ पे इतनी सारी घास है, मैं कुछ कीड़े काटेंगे यहाँ पे। सांप वाम सब मिलेंगे, ये तो हर एक एक्सप्लोर होगा, जंगल यहीं पे एक्सप्लोर हो जाएगा पूरा। ओ शिट, नहीं मुझे नहीं जाना यहाँ पे, ये भी कैंसिल। फार्म हाउस कैंसिल? नहीं नहीं नहीं, ये कैंसिल, दूसरा देखेंगे। फार्म हाउस ठीक लग रहा है। हाय गॉड, आर यू मैं? इस फार्म हाउस में तो बार भी है मम्मी और बैंकेट। ये रिसोर्ट है, रिसोर्ट। हाँ बैंकेट लग रहा है, ये फार्म हाउस नहीं है शायद। चलो अभी थोड़ी देर बाद इसको देखने आएंगे। आप लद्दाख में एडवेंचर करते हो, मैं दिल्ली में करा रहा हूं। हां बिल्कुल मजा आ रहा है, पर किसी बाइक वाले को उड़ा मत देना। लद्दाख में दूसरी गाड़ियां नहीं होती ना, सिर्फ वाला। तो यहां भी नहीं है, हमने हटा दी सारी गाड़ियां। बताओ ये सारे फार्म हाउस देखो, कौन सा देखो? हां भाई फार्म हाउस, फार्म हाउस। रोड से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पे आसपास बहुत सारे फार्म हाउस है। तो मम्मी बोल रही है ये फार्म हाउस तो अच्छे लग रहे हैं पर इनके अंदर पक्का क्राइम होते होंगे। ये क्राइम पेट्रोल, क्राइम पेट्रोल ज्यादा देखते हैं। आपको भी बोल रही हूँ, सेहत के लिए हानिकारक है। इतने गंदे गंदे, वो क्या बोलते हैं उसको, गंदे गंदे वहम आते हैं ना दिमाग में। ऐसे ही हमारे यहाँ पे ना घर के पास एक प्रीति की फ्रेंड रहती थी नीचे किराए पे और ऊपर ऑनर रहते थे। तो बाहर पुलिस आई थी, प्रीति ने पूछा क्या हो गया, कह रही है क्राइम पेट्रोल ज्यादा देखते हैं, अपनी बीवी पे शक करने लग गया। कैसे हो गया? वो सामने वहां उड़ रहा है एरोप्लेन और मम्मी को देखो कितनी खुश हो जाती है एरोप्लेन देख के। मुझे बैठने में डर लगता है पर देखने में बड़ा अच्छा है। बैठने में डर लगता है और देखने में अच्छा लगता है, ये सेंस क्या बनी मम्मी? बाय कर रही हूँ मम्मी एरोप्लेन को। छोटे बच्चे होते हैं ना, जब हम छोटे छोटे स्कूल में असेंबली में ऊपर से हेलीकॉप्टर एरोप्लेन जा रहा है, बाय। वैसे ही मम्मी अभी तक बड़ी हो गई है पर हरकतें बच्चों वाली है। जो भी वो मजाक चल रहा था फार्म हाउस से रिलेटेड वो हो चुका है खत्म और हमारा टाइम हो गया वापस जाने का। मुझे जाना है चंडीगढ़ क्योंकि मेरे कॉलेज चल रहे हैं। तो जीजू हमें छोड़ने आए हैं और मम्मी बड़ी बिजी रह रही है आज, पता नहीं सुबह से फ़ोन ही नहीं बंद हो रहे हैं इनके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सप्रेस मेट्रो से, तो भूख लगी थी इसलिए हम लोग उसी स्टेशन के मॉल पर आ गए हैं, ऊपर KFC। इतनी भूख लगी थी कि वीडियो बनाना भी भूल गई, आते ही टूट पड़े हम लोग सारे के सारे, खा रहे हैं पूरी स्पीड से और इतनी तेज तेज खा रहे हैं क्योंकि ट्रेन छूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं हमारे। इसके बाद तो हमें रेडी स्टडी के अच्छे गो करके भागना पड़ेगा, क्या बोलते हैं मम्मी? गाड़ी भी हमने ऊपर लगाई है। हाँ गाड़ी भी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर लगाई है। मम्मी बैठी है वहाँ पे, जीजू बैठे और यहाँ मैं बैठी हूँ। वो तो आपस में ऐसे बैठे, उनको लगा मैं वहाँ बैठूंगी पर मुझे चाहिए थी विंडो सीट, पता नहीं कुछ दिखेगा अभी कि मिली पर इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। और इन लोगों का अभी जस्ट एक ट्रेन गई तो 9 मिनट पहले गई। हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ अगर हम लोग खाना खाने नहीं रुकते, पर हम लोग रुक गए ऊपर की KFC से लेकर जस्ट बिकॉज ऑफ जीजू। इन्होंने बोला कि चलो चलो खाते खाते हम लोग आ गए और अगर हम नहीं खाते तो हम लोग मतलब बस कुछ सेकंड्स की देरी हो गई हमें और बंद हो गया था। तो
आपको 7 मिनट और रुकना पड़ेगा और पहले ही लेट हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं हम लोग पहुँचेंगे कि नहीं। हमारी ट्रेन ऑलरेडी छूटने वाली है, 5 बजे की ट्रेन है, 4:03 ऑलरेडी हो चुके हैं। देखते हैं यार पहुँचते हैं कि नहीं। वैसे तो जाना है, कल कॉलेज जाना है, इतने दिन तो छुट्टी ले रही हूँ बिना मतलब। तो गाइस प्रॉब्लम ऐसी हुई कि मेरी और मम्मी की जो टिकट्स है वो मतलब अलग अलग जगह तो क्या अलग अलग डब्बे में है, मतलब बहुत दूर दूर है, क्योंकि किसी और ने टिकट बुक कराई थी और मम्मी ने बोला किसी को कि हमारी ट्रेन मेरी ट्रेन की टिकट बुक कर दो। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि पलट भी साथ, तो उन्होंने एक कर दी थी और मेरा रात को पता चला, तो इस वजह से थोड़ा दूर हूँ इनसे और वो पीछे है, मैं थोड़ा आगे हूँ। अब हम लोग स्टेशन में ही मिलेंगे। तो गाइज मैं ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एडिटिंग किया जाए, तो अभी यहाँ एडिटिंग कर रही हूँ, एडिटिंग विद अ व्यू। वाओ सी, तो गाइस मुझे नहीं पता आप देख सकते हो कि नहीं, फिर मुझे यहाँ पे एक इतना बड़ा रेनबो दिख रहा है बाहर, ये देखो क्लियर दिख रहा है। तो थोड़ी देर के लिए एडिटिंग रोक के मैं कर रही हूँ, पता नहीं डिनर है कि लंच है, पर भूख लग रही थी तो खा लेते हैं। थोड़ी देर पहले KFC में खाया था, फिर से खाना है, और बाहर अभी भी रेनबो दिख रहा है दोस्तों, वो वहाँ से कुछ इस तरह। ये थोड़ा शीशा खराब है क्योंकि बार बारिश पड़ रही है तो क्लियर नहीं दिख पा रहा, पर आंखों से पूरा दिख रहा है। अब तो देखो अब ज़्यादा दिख रहा है ये रहा। एडिटिंग हो गई है ख़त्म, वीडियो हो रही है एक्सपोर्ट और साथ में बार अंधेरा भी हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 6:48 और हम लोग पहुँचेंगे ऑलमोस्ट 8 बजे, तो अभी 2 घंटे की और सफ़र है। मैंने सो जाती हूँ, कल बहुत लेट सोई थी तो थोड़ी सी नींद आ रही, सो जाते हैं। तो फाइनली पहुँच गए हम लोग चंडीगढ़। अभी मैं जा रही हूँ अपने PG और मम्मी जा रही है किसी के घर जीरकपुर। वही देख गुस्से से देख रही है मुझे क्योंकि मैंने पैसे ख़त्म कर दिए। हंसो ना। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने PG में, ये रही ताशु और ये रही शानी। लोगों की यार कितनी याद आ रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब अब मैं कल कॉलेज जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, मतलब यार इतने दिन से घूम रही हूँ, सिर्फ घूमना, व्लॉगिंग, एडिटिंग, दिमाग खराब हो गया था। अब आई हूँ यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट करूंगी, थोड़ा पढ़ाई करूंगी और घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। क्यों तुझे पता है किसको स्टॉक कर रही हूँ, व्लॉग में डालूंगी। तुझे पता है किसको स्टॉक, किसको? ओह माय गॉड, ऐसे होते हैं ना यार दोस्त। चलो गाइस, तो मुझे लगता है आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। और एक और बड़ी बात, आज जो मैं ट्रेन में जर्नी की वो मैं आपको बताना भूल गई। मैं इससे पहले कभी ट्रेन में नहीं बैठी थी, आज फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ का जब मैं ट्रेन में ट्रेवल किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे समझ नहीं आया ट्रेन का मतलब पूरा जर्नी कैसे ख़त्म हो गई, आराम से बैठ के मैंने पूरा एक वीडियो एडिट भी कर लिया और यहाँ भी पहुँच गई। तो हाँ बस इतना ही आज की वीडियो में, बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक बटन, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। जब तक 100K नहीं होता तब तक सब्सक्राइब करना, और आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना वो ऐसे ही रखो दोस्तों। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ये देख के कि मैं आपको बता नहीं सकती, रियली मतलब थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और 100K कर दो, आप लोग कर ही रहे हो, कर दो। एंड आई कैमरा क्वालिटी अच्छी कर दूंगी थोड़े ही दिनों में, पर उसके लिए आपका सपोर्ट भी चाहिए, जैसे दे रहे हो वैसे ही देते रहो। So still then, take care. Goodbye, guys.